हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली मेट्रो ऐप के बारे में। और दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दिल्ली और अगर आपको करना है ट्रैवल मेट्रो में, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कौन से मेट्रो स्टेशन से हमें लाइन चेंज करना पड़ेगा, कौन सी लाइन चेंज करना पड़ेगा, कौन से प्लेटफॉर्म से हमें बैठना पड़ेगा। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो ऐप है दिल्ली मेट्रो ऐप, ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी जो अगर दिल्ली में रहते हैं और हर दिन अगर वो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए भी ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है। तो ये ऐप है क्या और इस ऐप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारी जानकारी को पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा वो ऐप जो कि है दिल्ली मेट्रो रेल, और मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है और बहुत ही इजी टू यूज़ है ये ऐप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे। तो जो सबसे पहले ऑप्शन इसमें मिलेगा वो है रूट बिटवीन स्टेशंस। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप डाल सकते हैं आपका स्टार्ट स्टेशन जहाँ से आपको ट्रैवल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ इंद्रप्रस्थ से लेके मैं डाल देता हूँ एंड स्टेशन सरोजनी नगर। और उसके बाद दोस्तों ये जो रूट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि कितना डिस्टेंस है, साथ ही कितना फेयर लगेगा जिसमें लिखा है कि 30 रुपीज़ मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेशन आएंगे बीच में, और कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सी लाइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 3 लाइन बदलना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कि इंटरचेंज 3, मतलब कि हमें 3 लाइन बदलना पड़ेगा तब जाके हम पहुंच पाएंगे सरोजनी नगर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने इंद्रप्रस्थ से बैठे तो हमें ब्लू लाइन से जाना पड़ेगा मंडी हाउस तक, मंडी हाउस से हमें वायलेट लाइन फिर में बैठना पड़ेगा, और फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट, फिर वहाँ से हमें येलो लाइन पकड़ना है, और उससे हम जाएंगे INA, और INA से दोस्तों आपको लेना है पिंक लाइन जो कि आपको पहुँचा देगी सरोजनी नगर। तो ये ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है और बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता, आप इसी को फॉलो कीजिए तो आप आराम से पहुंच जाएंगे आपके डेस्टिनेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे में ऑप्शन है, तो जैसे आप मेट्रो मैप पे जैसे अगर आप क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेट्रो का मैप है उस पर आपने जो लोकेशन, आपने जो एंड स्टेशन और स्टार्ट स्टेशन जो आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगी, मतलब पिन देखने को मिल जाएगी कहाँ से आप शुरू करेंगे, और साथ ही कि कहाँ से आपको लाइन चेंज करना है। साथ ही आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप आपके गूगल मैप पे भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वही जो रूट है इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो वो है स्टेशन इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे आप कोई से भी स्टेशन की इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ सरोजनी नगर, तो आप जैसे ही सरोजनी नगर पर क्लिक करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में आपको जैसे देखने को मिल जाए कि ये जो स्टेशन है ये है अंडरग्राउंड, उसके बाद ये पिंक लाइन में जिससे आप देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस स्टेशन से रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेन टाइमिंग। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो लास्ट ट्रेन है इस मेट्रो स्टेशन से जो जाएगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कश्मीरी गेट की जो आखिरी मेट्रो जाएगी वो रात में 10:56 PM पे चली जाएगी। और साथ ही दोस्तों ऊपर जो फर्स्ट ट्रेन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो सुबह कितने बजे से और आपको कहाँ के लिए मेट्रो मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, तो आप यहाँ से आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जो सरोजनी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आपको कितने प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे ये इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, एक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि जाता है मजलिस पार्क की तरफ, और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो है लाजपत नगर। उसके बाद अगर हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो है गेट्स एंड डायरेक्शंस। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको पता चलेगा कि जो सरोजनी नगर है मेट्रो स्टेशन, अगर उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कितने गेट है, जैसे कि यहाँ पे दिए गए यहाँ पे 2 गेट हैं, और साथ ही जो गेट नंबर 1 है वो किस तरफ निकलता है, मतलब कौन सी जगह की तरफ निकलता है, और साथ ही गेट नंबर 2 है वो कहाँ निकलता है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर हम जाए नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो है कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, और फिर टूरिस्ट स्पॉट एक ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो इस मेट्रो स्टेशन से जो नियरेस्ट जो टूरिस्ट
प्लेस क्या है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सरोजनी नगर मार्केट, तो यहाँ पे आपको उस मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ का एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो क्या रहेगा, और वहाँ उस मार्केट मतलब उस जगह की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर हम जाए बैक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप पार्किंग की यहाँ पे एक ऑप्शन दे, यहाँ लिखा है कि नॉट अवेलेबल, और फीडर सर्विस भी यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा है, और साथ ही दोस्तों लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं बैक, और फिर से जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, मतलब कि अगर आप कोई प्लेस पे रुके हुए हैं तो उस प्लेस के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है वो ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिला, बाय लोकेशन या फिर बाय एड्रेस, तो मैं बाय एड्रेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे डाल देता हूँ एक लोकेशन जैसे कि इंद्रप्रस्थ, मैंने लोकेशन डाल दी। और उसके बाद जैसे ऊपर से आप जो है डिस्टेंस वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ में अगर आप हो तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो है चांदनी चौक, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि सिर्फ 0.3 किलोमीटर है, और उसके बाद है लाल किला। और साथ ही दोस्तों अगर आप चाहो तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक नेविगेशन की जो बटन दिया है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल मैप में वो जो नेविगेशन है वो आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लोकेशन। तो फ्रेंड्स अब मैं जाता हूँ बैक, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे हमें और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो सबसे पहला है वो है टूर गाइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है व्हाट टू सी, तो इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सारी की सारी जो प्लेसेस है जो दिल्ली में आप घूम सकते हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं है दिल्ली हार्ट, हुमायूं स्टॉम, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर। फॉर एग्जांपल मैं एक चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने जंतर मंतर चूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं तो उस जो टूरिस्ट प्लेस में जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ राजीव चौक, और साथ ही उसका एड्रेस उस टूरिस्ट प्लेस का, और साथ में थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम जाए बैक फिर से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेट्रो म्यूज़ियम एक ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेट्रो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदने को मिल जाएगी। एक तरीके का म्यूज़ियम है जो कि मेट्रो के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेट्रो स्टेशन है ये पटेल चौक मेट्रो के अंदर है, और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें या फिर जो सामान वगैरह वह खरीद सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ टॉप में ऊपर दिया हमें प्राइस लिस्ट का ऑप्शन, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वहाँ पे सामान अवेलेबल होता है जो हम खरीद सकते हैं, तो उनकी यहाँ पे एक रेट लिस्ट आ जाती है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो सामान है कितने रुपये का है। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है अदर इन्फो, तो आप जैसे इन पर क्लिक करते हैं तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है DMRC हेल्पलाइन, मतलब कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की आपको हेल्पलाइन का आपको नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपको ईमेल ID भी मिल जाएगी इनकी। उसके बाद DMRC नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, तो आपको पूरे मेट्रो कहाँ तक फैला है, कौन कौन सी लाइन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी जो लाइन है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और दोस्तों साथ में जो अभी नई लाइन स्टार्ट हुई है मेजेंटा लाइन उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुई है ये लाइन, कहाँ तक जाती है, और बीच में कौन कौन से स्टेशन मिलते हैं। और साथ ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि और आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके बीच में कितने स्टेशन आते हैं, उसका जो डिस्टेंस कितना है, टोटल कॉस्ट या टोटल फेयर कितना रहेगा अगर हम ट्रैवल करेंगे उस लाइन में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ बैक, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोकन्स एंड स्मार्ट कार्ड्स के एक ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्मार्ट कार्ड्स अवेलेबल होता है मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर कम्यूटर एक ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बाइसाइकिल रेंट की फैसिलिटी भी मिलती है कुछ कुछ मेट्रो स्टेशन पे, और भी आप पार्किंग वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिर हमें मिलते हैं एक ऑप्शन जो कि रेलवे स्टेशन नियर टू मेट्रो, मतलब कि यहाँ से इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा मेट्रो स्टेशन है उसके पास कौन सा जो रेलवे स्टेशन है सबसे नियरेस्ट है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। आप देख सकते हैं जैसे कि चांदनी चौक के जो पास में सबसे नियर मेट्रो रेलवे स्टेशन है वो है ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन।
और जैसे कि अगर मैं नीचे जाऊँ तो फैसिलिटीज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का भी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि मेट्रो स्टेशन में उनके लिए जैसे व्हीलचेयर कौन कौन से मेट्रो स्टेशन्स में अवेलेबल है, लिफ्ट एस्केलेटर्स कौन कौन से मेट्रो स्टेशन में अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद फ्रेंड्स DMRC वेबसाइट, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद जाते हैं हम बैक, और जैसे एक ऑप्शन हमें मिलता है फीडबैक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप फीडबैक दे सकते हैं अपना ईमेल आईडी के थ्रू। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते समय। और फ्रेंड्स साथ ही नीचे हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है लॉस्ट एंड फाउंड। तो फ्रेंड्स अगर मान लो आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में और कभी आपका कुछ सामान अगर जैसे छूट जाता है, तो वो सामान आप कहाँ से आपको मिल सकता है वापस, उसमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि कश्मीर गेट स्टेशन है, वहाँ पे एक बाकायदा एक रूम है, वहाँ पे आप जाइए, अगर आपको कुछ भी सामान घुमा है तो वहाँ पे आपको सामान आपको वापस मिल सकता है। यहाँ पे टाइमिंग भी दी है कि कब आप वो सामान को वापस ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो आखिरी ऑप्शन है वो है ऑनलाइन रिचार्ज, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप आपके जो कार्ड है उसकी आईडी डाल सकते हो, साथ ही आप अमाउंट डाल सकते हैं, और आपका जो कार्ड है उसको आसानी से आप रिचार्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने बनाया था दिल्ली मेट्रो का, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आया है आपको पसंद तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो कि है केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर में भी मिल सकें। और दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि यह जो ऐप है ये आपको कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर दिल्ली में आप रहते हैं और अगर आपको करना है मेट्रो में ट्रैवल तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि आउटसाइडर है और जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।